जो आपको ये भाई लोग दिख रहे हैं, ये अपने इको डेवलपमेंट कमिटी के लोग हैं। जो ये पैदल वाला है उसमें से ज़्यादा संगतें अभी आ रही है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल है, घुटने पैर की दिक्कत कम होती है, तो ऐसे करके आ रही है। देखिए वहाँ कुछ ऐसा रास्ता है, पतला पतला आपको दिख रहा होगा, जैसे टूट फूट हो रखी है, तो फूलों की घाटी का रास्ता ये। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अगले ब्लॉग में। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा साहब श्री हेमकुंड साहिब और दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। वैसे श्री हेमकुंड साहिब सबसे ऊंचा नहीं है, इससे भी दो ऊंचे गुरुद्वारा साहब हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वन ऑफ द हाईएस्ट गुरुद्वारा साहब इन द वर्ल्ड है। तो कुछ ऐसा है अभी का नज़ारा। आज 28 मई का दिन है, जिस दिन धूप लगी 27 के दिन तो यहाँ 1.5 फीट बर्फ रात को पड़ी हुई थी। संगतें आ रही है, खुश है क्योंकि आज मौसम ने साथ दिया, परमात्मा ने बुलाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी गुरुद्वारा साहब के अंदर अभी चल रही है अरदास, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या व्यवस्था है स्नान के लिए पवित्र सरोवर में, अमृत सरोवर में, क्योंकि कुछ ऐसा करके बनाया यार, सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं कट कट करके, और वहाँ पे छोटा सा स्पेस है जहाँ पे आप स्नान ले रहे हो इस बर्फ़ में ऐसे मौसम में, तो कुछ ऐसा स्नान ले रहे हैं। देखो बाबा जी भी स्नान ले करके, तो भाई बहुत अच्छा लगता है। देखो स्नान करते हुए थोड़ा ठंडा जरूर लगेगा, जैसे स्नान होगा आपको गर्मी महसूस होगी। तो सभी यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, उधर भी फ़ोटो शूट चल रही है, तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा था। और कल के व्लॉग में तो भाई मैं आपको ऊपर गया था, वहाँ से आपको गुरुद्वारा साहब श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर दोनों के आपको दर्शन कराए थे। तो अभी संगत आ रही है, जा रही है, दर्शन कर रही है, स्नान ले रही है। बाकी वीर जी भी मिल गए, पहचानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी जानते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो स्नान करके आ गए, अब वीर जी जाएंगे स्नान करने, है ना? नहीं, मैं करके आ गया, करके फ्रेंड है वो लेट हो गया था, उसको अभी करवाने आ रहा हूं। अच्छा 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 अच्छा, तो देखो वीर जी अभी रास्ते में भी मिले थे, कुछ देर पहले पहुँच गए मैं 1 घंटे। तो भाई कुछ ऐसा सिस्टम है, और यहाँ पे ना जैसी बर्फ पड़ रही है ऊपर से देखो भाई जी लोग सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, शूज़ यहाँ पे आपको निकालना है, टोकन मिलेगा, तब जाके आप गुरुद्वारा साहब के अंदर जो है मत्था टेकने जा सकते हैं। और कुछ यहाँ पे देखो बर्फ़ की सफाई होते रह रही है, हर दिन की बात है। और यहाँ पे अपने नेपाल से आए हुए भाई लोग भी पूरी सेवा देते हैं, देखो। बाकी जो ओपनिंग डेज के दिन था, तो भाई क्या ही प्यारा नज़ारा, लोकेशन लग रही थी, जो फ्लावर से सुसज्जित था अपना गुरुद्वारा साहब। बाकी संगतें आ रही है, बराबर जा रही है दर्शन करके। और कई संगतें ना सुबह 4 बजे निकलती है, यहाँ पे 9 बजे पहुँचती है, और पहली अरदास को अटेंड करके मत्था टेक के सीधा गोविंद घाट, कोई कोई तो जोशीमठ से आगे नगरासू तक भी सेम डे पहुँच जाती है। एंड अब दूसरी वाली हो, भाई अपना लंगर भी छक लिया है, खिचड़ी खाई मैंने और गर्म पानी पिया, आंखें दर्द हो रही है धूप में, तो आपको ध्यान रखना है, पहले भी बताया था कि चश्मे वगैरह ज़रूर लाएं पूरे जून महीने तक। बाकी निशान साहब जी के दर्शन आप कर लीजिए, ठीक हो? हाँ, वीर जी भी मिल गए, यहाँ पे दर्शन हो गए आपके? हाँ जी, हाँ जी, दर्शन अभी करने जाना है, स्नान वगैरह करे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ, वो आधे मेंबर को भेज दिया। हाँ हाँ, हम एक दो बार रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, संगरूर से, ठीक है। बाकी वीर जी से मिल के अच्छा लगता है, हर कोई आते हैं मिलते हैं, बहुत अच्छा, ठीक है वीर जी। तो भाई कुछ अभी ना लोकेशन ऐसी है, संगतें अभी भी पहुंचती है, 1 बजे 2-2 बजे तक भी पहुंचती है, लेकिन मैं आपको एक अपडेट और देना चाहता हूं, श्री हेमकुंड साहिब में 2 बजे के बाद यहां पहुंचना अलाउ नहीं है, 2 बजे के बाद यहां से रवाना कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मौसम एकदम चेंज हो जाता है यहाँ का, कोई भरोसा नहीं रहता कब चेंज हो जाए, कब बर्फ़ हो जाए, कब बारिश हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2 बजे से पहले यहाँ से रवाना होना पड़ता है। बाकी भाई कुछ ऐसा व्यू नज़ारा अभी आज के दिन तो बहुत ही अच्छा है। तो भाई यहाँ से YouTube फैमिली जो अपने संगत हैं भाई लोग अभी पहुँचे हुए हैं, पूरा ग्रुप है 30 लोगों का, लेकिन अभी ना भाई लोग अभी 6 साथी हैं, कोई धीरे आ रहा है, कोई तेज आ रहा है ना। बाकी मिल के बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आप सब लोग? अच्छा अच्छा, तो ब्लॉग देखते हो, हेल्प मिलती है उससे कुछ? बिल्कुल।
देख के आए हैं। अच्छा तो ऐसे बोल रहे हैं मुझे देख के आए। बाकी आज मौसम बढ़िया था तो बहुत अच्छा लगा। बाकी ये भाई ग्रुप का। अच्छा ग्रुप में ये वाले भाई भी हैं तो आ चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। ग्रुप काफी बड़ा है, 30 लगा दो जी। बोले ठीक है वीर जी, मिलते हैं, बाय बाय। तो जी मिल चुके हैं सभी भाई लोगों से, वीर लोगों से। बाकी अब टाइम हो रहा है जाने का, वैसे टाइम ज़्यादा भी नहीं हुआ है, 11-12 बज रहे हैं, लेकिन वही होता है जल्दी पहुंच करके, जल्दी दर्शन करके, मत्था टेक करके और लक्ष्मण भगवान जी के दर्शन करके, सबके दर्शन करके अब लौटना है। बैटरी यहाँ पर कम हो जाती है और आँखें तो दर्द हो रही है विदाउट चश्मे के। बाकी यहाँ बर्फ़ तो अभी कुछ कह नहीं सकते, कब तक पिघलेगी, पिघलेगी 1-2 महीने में। बाकी इधर से भी रास्ते, इधर से भी है। अभी यहाँ तक सिर्फ कंडी वाले आ पा रहे हैं, जो कि अपने भाई लोग नेपाल से आए हैं ना, नेपाल से आए भाई, बड़ी सेवा करते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि घोड़े अभी आ नहीं पाएंगे, 1-2 महीने बाद जो है घोड़े यहाँ आ पाएंगे, जब बर्फ़ साफ़ हो पाएगी ग्लेशियर से तभी कुछ हो पाएगा। बाकी सब खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सवारियों का, है ना, सेवा वाला है। तो इधर है, और एक और चीज़ वॉशरूम इस साइड है, सीढ़ी इस साइड है, वॉशरूम इस साइड अवेलेबल होता है। बाकी नज़ारा कुछ ऐसा है, वही 1-2 दिनों में यहाँ भी इंटरनेट आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, फिर यहीं मैं आपको पर डे की व्लॉगिंग और यहाँ के नज़ारे सुबह शाम दिखा सकता हूँ। फिलहाल अभी संगतें आ रही है, मेरा लौटने का टाइम हो रहा है, तो कुछ अभी ऐसा है, अभी रास्ते में ना जो बर्फ़ है वो धूप से पिघल भी गई है, तो थोड़ा अभी आसानी हो रही है। हाँ जी तो कुछ ऐसा है, तो देखो संगतें जान भी रही हैं, नाम भी बोल रही हैं। तो देखो पहुँच गए वीर जी, बढ़िया रे, आपकी वीडियोस बहुत देखी हैं उसी का सहारा है और कुछ नहीं है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं वीर जी, तो देने के लिए हमारे सबको। हाँ जी हाँ जी, ठीक है वीर जी, आराम से जाइए, दर्शन करिए, पहुंच गए बस। तो आ रही है संगत है, पहुँच रही है, कई लोग वीडियोस देख के भी आती हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा हेल्प हो जाती है उनकी, तो हेलो कर रहे हैं वीर जी। तो यहाँ पे ना अभी घोड़े तो अवेलेबल है नहीं, तो जो कंडी है अपने नेपाल से जो भाई लोग हैं वो इतनी मेहनत करते हैं देख। तो दोस्तों जैसे ना स्टार्टिंग पॉइंट तो थोड़ा ऊपर है यहाँ से, मतलब 20 मीटर आगे, लेकिन जो मैं घांगरा गोविंद धाम से आपको निशान साहब जी के जो दर्शन कराता हूँ ना, तो ये वाला निशान साहब जी होते हैं, इनके मैं आपको दर्शन करा पाता हूँ जूम करके, थोड़ा सा जो दिखते हैं ऐसे ब्लर में काफ़ी दूर से घांगरे से, तो ये वाले निशान साहब जी होते, ऊपर वाले नहीं होते, बस यही है जो दिख पाते हैं। बाकी भाई नज़ारा, मौसम और वहाँ पे संगतों की जो इतनी भीड़ है, भीड़ तो नहीं बोलते संगतें हैं, तो फिसलते फिसलते मैं तो भाई अभी क्या रिकमेंड करूँगा कि आप सीढ़ियों से आएँ, क्योंकि सीढ़ियों से ना एक सपोर्ट है आपके पास, रेलिंग है जिसके सपोर्ट से आप आ सकते हैं, बट जिनको घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो सीढ़ियों का यूज़ ना करें, वो नॉर्मल लंबे रास्ते से धीरे धीरे हाथ पकड़ के आ सकते हैं एक दूसरे। नीलकंठ पर्वत मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो भाई जो लंबा रास्ता है श्री हेमकुंड साहिब का, जो कि एक पौड़ियों वाला है, एक नॉर्मल पैदल वाला, तो जो पैदल वाला है उसमें से ज़्यादा संगतें अभी आ रही है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल है, घुटने पैर की दिक्कत कम होती है, तो ऐसे करके आ रही है। देखिए वहाँ भी काफ़ी बर्फ़ है, देख सकते हैं। तो भाई वीर जी ना पोज बनाते बनाते आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई पूरे बर्फ में एंजॉय करते करते बाबा जी के दर्शन करेंगे। चिकरा बुलावे सो निहाल हो जावे संत, गुरु गोविंद सिंह जी दे मनु पावे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। तो भाई अभी ना देखिए चुटकियों में आपने थोड़ा रेस्ट किया, एडिट करी वीडियो और बादल लगना स्टार्ट हो गया, और शाम को 100% बर्फ़ पड़ेगी, कल भी बर्फ़ पड़ेगी क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, बाकी देखिए पानी जो सरोवर से आ रहा है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पुल भी था जो दिखेगा 1 महीने बाद सीधा, जब यहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी यहाँ पे छोटा सा पुल दिखेगा जो घोड़े वगैरह आ सकते हैं। हाँ तो भाई वीर जी तो लोग भी दर्शन करके आ गए, अभी 1 बज रहे हैं, बड़ी जल्दी है, गोविंद घाट पहुँचना है।
नहीं गोविंद धाम, गोविंद घाट नीचे वाला ये धाम है, धाम गोविंद घाट पहुँचेंगे आज। अच्छा अच्छा, गोविंद घाट पहुँचना है इसलिए बड़ी फास्ट है जी। तो यहाँ पे फोटो शूट भी हो रही है। तो वीर जी को मैं कहना चाहता हूँ यार इधर मत जाए क्योंकि यहाँ पे है गड्ढा, आपको पता नहीं चल रहा है गड्ढा है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, देखी थी हमने यार वो। थैंक यू जी थैंक यू। मजे ले सुनो के साथ, तो देखो सुनो के मजे ले। बताना भी कपड़ा पाक रहा हूँ, बर्फ बहुत बढ़िया। हाँ जी, गाली मत करो। उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर, हौली हौली आओ, कोई बात नहीं, घंटा खंड बाद लग जाएगा। सही। तो भाई अभी जाते जाते 1 बजे भाई फिर से मौसम खराब हो गया और 100% बर्फ़ पड़ेगी। और यहाँ पे देखो संगते फिसल रही है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वीडियो में कि यहाँ पे जो आए ट्रैकिंग शूज़ लेके और थोड़ा आराम आराम से फिसलन हो रही। चलो ये तो अभी क्या हो गया कि नॉर्मल सॉफ्ट होगी बर्फ़। तो वीर जी आराम से जाइए, अभी आगे से जब असंगते हटती है ना तब आपको जाना है, क्योंकि एक बार जाएंगे ऊपर से फिसलते फिसलते बड़ा रिस्की काम है, तो ऐसे नहीं करना है रिस्की काम। ठीक है वीर जी, आराम से जाना जी, फिसलते फिसलते। तो हमें तो चलो हैबिट है, थोड़ा कर ही लेते हैं, बाकी जिनको हैबिट नहीं है वो ऐसे रिस्की काम ना करें। ओ बाबाई थोड़ा रास्ता बना दो यार, कौन है रास्ता बनाने वाला? चलो आराम आराम से, ऐसे साइड में ना ऐसे उल्टे उल्टे पैर ऐसे दबा के चलना है, ऐसे ही ऐसे। चलो 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 चलो। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आओ ना आपको क्या करना है, जो पीछे जो आपकी टो रहती है उसको आपको ऐसे दबाना है तब आना है। भाई मुझे भी ले यार ब्लॉग में। हाँ जी, तो देखो यार भाई जी फिसलते फिसलते जा रहे हैं। रिस्क बहुत है अपने रिस्क। हाँ जी हाँ जी, अपने रिस्क पे थोड़ा थोड़ा कठिन है रास्ता। तो थोड़ा सही हो जाएगा। हाँ 1 महीने बाद आइए भाई, अभी बर्फ़ पड़ ही रही है। पता नहीं ऐसे लग रहा है जनवरी का महीना चल रहा है, कभी भी बर्फ़ पड़ जा रही, कभी भी बारिश हो जा रही है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बाकी यार मौसम अभी तो ठीक है, शाम को फिर बर्फ़ पड़ेगी। ये देखो ऊपर तो पूरा छाव हो गया। अभी संगत तो चलो पहुँच रही है, कुछ कुछ अभी जाएंगी। बाकी भाई मैं आपको फिर से बताता हूँ, सुबह आपका सबसे टाइम निकलने का, अगर स्लो चलते हो 4 बजे 4:30 बजे करीब करीब चलने में अच्छे हो, 1-2 घंटे में पहुंचते हो तो 8-9 बजे भी निकल सकते हो। 10 बजे के बाद अलाउ नहीं है घांगरे से ऊपर आने के लिए, ठीक है। और यहाँ से जो है 2 बजे के बाद आप ऊपर नहीं आ सकते, 2 बजे में आपको रिलीज़ होना पड़ेगा घांगरिया गोविंद धाम के लिए वापस। और यहाँ पे वीर जी फुल मज़े ले रहे हैं, फिसलते फिसलते जाएंगे। और यार ना बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ता बना रहे फिर प्लेन हो जा रहा है, सीढ़ियाँ बना रहे फिर प्लेन हो रहा है। तो भाई लोगों का जो काम है यार, जो है ना आर्मी के साथ आ रखे हैं पोर्टर वगैरह इधर भी लगे हुए हैं भाई, 2-2 महीने तक लगेंगे। फ्रेश बर्फ़ पड़ रही है फिर अगले दिन लगना पड़ रहा है, बड़ा मेहनत करवा रहे हैं। क्यों बर्फ़ करवा रहे नहीं करवा रहे? तो यहाँ पे कुछ लोकल लोग भी हैं यार, साथ दे देते हैं थोड़ा रास्ता बनाने में। हैं दो बार, मैं तो इस 4थी बार आ गया, 5वीं बार इस पूरे साल में आ गया। तो ऐसा है कुछ है, यहाँ पे बर्फ़ साफ़ हो रही है, नहीं तो फिसलन बहुत हो रही है। धूप से क्या हो रही है ना, काफ़ी सॉफ्ट हो जा रही, सॉफ्ट में ज़्यादा फिसलन होती है और ज़्यादा हार्ड में भी ज़्यादा फिसलन होती है। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, फटाफट निकलते हैं घांगरा, पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं, ब्लॉग एडिट करके ब्लॉग डालते हैं। नेट का बड़ा इशू है यार, क्योंकि कई लोग जो है संगते वीडियो कॉल कर रही है, मैसेज कर रही है, रिप्लाई तक नहीं हो पा रहा है, इतना गंदा नेटवर्क चल रहा है। क्योंकि संगतें ज़्यादा मात्रा में आ रही है और नेटवर्क की रेंज है 800,000 लोगों तक की, और संगतें हैं 5,000-3,000 और लोकल लोग ही 1500-2,000 है, तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो बुरा मत मानना, मैं नहीं उठा पा रहा तो पता नहीं चल रहा, नोटिफिकेशन मेरे को 1-2 घंटे 4-5 घंटे बाद आ रहा है कि भाई तुम्हारे जो है कॉल आया था, मैसेज आया था, ऐसा सिस्टम हो रहा है। और आज का ब्लॉग यहाँ से देखिए लक्ष्मण गंगा आ रही है श्री हेमकुंड साहिब के सरोवर से, तो अभी भी बर्फ़ ही आ रही है उसमें बह करके। जो आपको ये भाई लोग दिख रहे हैं ये अपने इको डेवलपमेंट कमेटी के लोग हैं, जो यहाँ पे रास्ते पर कूड़ा कचरा सफाई करके कट्टे भर के जो अपने गांव की एनजीओ इको डेवलपमेंट कमेटी उसके द्वारा देखे कितनी सफाई का कार्य रखता है, आपको ना कहीं भी नहीं दिखेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने कई संगतों को देखा है, बुरा मत मानिएगा कि मैं कूड़ा फेंक देते, बॉटल दूर फेंक देते, यार दूर मत फेंको, रास्ते में कहीं कूड़ा डस्टबिन कई जगह है वहाँ पर रख दो, बैग में रख दो, जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ फेंको। इनको कितनी मेहनत करनी पड़े, रोज़ अप डाउन करना पड़ रहा है श्री हेमकुंड साहिब टू नीचे, और सैलरी कितनी 8,000 महीने की
है ना, तो कुछ भी नहीं यार, थोड़ा इनकी भी ध्यान रख करके सोचे। हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ काम नहीं होता है, थोड़ा मन अच्छा होना चाहिए बस। घांगरे से ना जितनी भी जियो फाइबर थी कुछ ऐसे करके दबी हुई है, तो भाई कहाँ तक तो निकालेंगे, कहाँ तक दबी होगी, तो इसलिए नई वायर शायद ये वाली लगा दी है। और एक दो दिनों में ऊपर भी नेटवर्क आ जाएगा श्री हेमकुंड साहिब में। बहुत ही गंदा नेटवर्क चल रहा है यार घांगरे में, अपलोड ही नहीं हो रही, मेरी तो बड़ी टेंशन हो जाती है। मैं 5 घंटे कहाँ ठंड में अलग ही बैठे रहा हूँ ऐसे जोन पर जहाँ पर थोड़ा नेटवर्क चल रहा हो, अपलोड होने में लगता है पहले एडिट होने में 2 घंटा, फिर अपलोड होने में 5-6 घंटा, भाई आधा दिन ऐसे लगता है कि यही काम है, फिर वीडियो भी बनाना, बड़ी सिस्टमेटिक होता है। बाकी जियो फाइबर नीचे नीचे लगी हुई है और यहाँ पे काफ़ी मतलब ना देख करके भी जाना है आपको। जब भी आओगे ग्लेशियर पॉइंट पे आपको ना चारों तरफ देखना है, ऊपर से क्या है गोले बन जाते हैं कुछ कुछ बर्फ़ के, ऐसे गोले बन के सर पे भी लग सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यार, ऐसे नहीं कि आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो फोटो खींच रहे हो, फोटो तो यहाँ पे नहीं भाई, फोटो खींचते खींचते फटाफट खींचो और फटाफट निकलो। तो दोस्तों जब भी मैं आपको फरवरी का जिक्र करता हूँ कि मैं श्री हेमकुंड साहिब आने की सोच रहे थे, तो हम यहाँ तक आए थे क्योंकि यहाँ से ना ऊपर ग्लेशियर स्टार्ट हो गया था और बहुत ख़तरनाक स्लोप था, और पहले की बात तो यहीं पे पहुँचने के लिए 6-7 घंटे लग चुके थे क्योंकि जो ये बर्फ़ है ना इससे 2-3 गुना बर्फ़ थी कि रास्ता तक तो दिख ही नहीं रहा था। आपको पता है वीडियो में जिन्होंने देखी होगी फरवरी वाली वीडियो, श्री हेमकुंड साहिब सर्दियों में कैसा दिखता है, पहुँच नहीं पाए। देखो वो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, भगवान की मर्ज़ी होती है, कब वो बुलाएँ अपने पास तो दर्शन दे देते हैं, जब उनकी मर्जी ना थी होगी तो भाई कष्ट भी हुआ, बाकी ठीक रहा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो भाई ये घांगरिया गोविंद धाम कुछ अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमें अभी आधे रास्ते से ग्लेशियर से काफ़ी नीचे लगभग 4 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ मैं श्री हेमकुंड साहिब से, तो ये घोड़ा पड़ाव कुछ नज़र ऐसे आता है भाई ऊपर से ना, अलग ही ऐसा लगता है छोटा सा टाउन होगा, बाकी जंगल के बीच में है घांगरिया गोविंद धाम, दिखेगा नहीं आपको। जो वैली ऑफ फ्लावर का ग्लेशियर है ना हम उस दिन यहाँ तक गए थे बस इतने ही रास्ते तक, क्योंकि अभी अलाव है नहीं, 1 जून को अलाव है। कुछ ऐसा रास्ता है पतला पतला आपको दिख रहा होगा जैसे टूट फूट हो रखी है, तो फूलों की घाटी का रास्ता ये वाला है, देखें पूरा इधर से ऐसे ऐसे घूम करके काफ़ी टॉप पर जा करके रास्ता पूरा ख़राब है, कच्चा रास्ता, तो इस पहाड़ी के पीछे है वैली ऑफ फ्लावर्स। भाई मेरे टोपी वगैरह कपड़े वगैरह निकाल दिए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी सच में, अभी दिन का टाइम है ना 1:30 बज रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। बस पहुँचने वाला हूँ गोविंद धाम और मौसम ख़राब होगा तब ठंडा ही ओवर ठंडा लगता है, और ऐसे चलते चलते ज़्यादा गर्मी, तो कुछ ऐसा है भाई देखिए। तो भाई रास्ते भर में ना जब गर्मी भी हो जाती है धूप से तो चाट का आप आनंद ले सकते हैं, फ्रूट चाट, चना चाट, पता नहीं क्या क्या अवेलेबल। तो भाई यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा खा लेता हूँ भाई के हाथ की चाट, बड़े भाई यार खाने के लिए चना चाट है। जब भी आप यात्रा में आए दोस्तों आपको साइड बाय साइड जब धूप लगे गर्मी लगे तब चाट का आनंद जरूर लीजिए, क्यों ये देखो बिल्कुल मसालेदार मिर्च मसाले वाले, हाँ थोड़ा हेल्दी भी होती है ये चीज़ें, ये देखिए धन्यवाद। और देख भाई अभी ना दिन के 2 बज रहे हैं, तो मतलब आज मैंने 8 बजे निकला 10 बजे पहुंचा, 1.5-2 घंटे करीब करीब मैं श्री हेमकुंड साहिब में रहा 12 बजे, और आधा घंटा मैंने थोड़ा एक्सपोर्ट वीडियो एक्सपोर्ट करने में टाइम लगा, तो मतलब भाई 6 घंटे में अप डाउन हो गया, 2 बज रहे हैं, बहुत सही टाइम पर पहुँचा। तो अभी मैं घांगरिया पहुँच चुका हूँ भाई, कुछ ऐसा मौसम है और ऊपर तो बादल लगने स्टार्ट हो चुके हैं, कभी भी वहाँ बर्फ़बारी स्टार्ट हो सकती है, मौसम ख़राब हो सकता है, तो कुछ ऐसा सिस्टम है भाई। सच में इतनी गर्मी लग रही ना क्या ही बोलो यार, मतलब बहुत गर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे आते ऊपर के हिसाब से ना, अभी चल भी रहे हैं और दिन का टाइम भी है 2 बज रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिस्टम है। बाकी पहुँच चुके हैं, तो
हमारे छोटे सब्सक्राइबर आए हैं और जिनको खाना है क्या, आलू की सब्जी, आलू थे चिड़ा। तो झारखंड से आए हैं, पूरी फैमिली आई हुई देखे, तो इनसे मिलके अच्छा लगा। बाकी ऑल द बेस्ट, वेरी थैंक यू। यात्रा करके आ गए, फर्स्ट टाइम था बच्चों का, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के। मैम भी आई हुई है, बाकी उनके चाचा भी आए हुए हैं छोटे, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं सर। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ 2 बजे के पास गोविंद धाम घांगरिया में, और बहुत थक गया यार। आज बहुत संगतें मिली, बहुत प्यार मिलता है। और कुछ कुछ लोग तो नाराज़ भी थे कि यार कि रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो मैं हर जगह अपडेट नहीं दे पाता हूँ क्योंकि नेटवर्क नहीं चल रहा। अभी मेरे को चिंता ये है कि मैं अपलोड कैसे करूँगा वीडियो आज की, ये सिस्टम है। बाकी यार यहाँ पे अपने रहने का है फ़िलहाल, तो यहाँ पे बैग रख दिया है, थोड़ा हाथ मुँह धोता हूँ और थोड़ा खाना बचा हुआ खाना खा लेते हैं, फिर हाथ मुँह धोकर के थोड़ा रेस्ट करूँगा यार आज थोड़ा। मतलब बढ़िया रहा, थकान बिल्कुल भी नहीं लगी है मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। मतलब 12 किलोमीटर का ट्रैक 6 घंटे के अंदर, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग भी करी, खाना भी खाया, बैठा भी, संगतों से भी मिला, वीडियो भी बनाई और वीडियो भी एडिट भी कर दिया, फर्स्ट पार्ट जो कल आ चुकी है ऑलरेडी। तो कुछ ऐसा सिस्टम है फिलहाल। दोस्तों आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय मानंद देवी, जय हनुमान जी।